हेलो दोस्तों, आज कल हम बात करेंगे डैनी डेनियल के बारे में। कि आपको पता है कि डैनी ने एडल्ट इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन करा, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या उनकी पर्सनल चॉइस थी। तो आज कल हम बात करेंगे डैनी के बारे में। डैनी ने अपना करियर मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री में बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें काफी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। और इसके अलावा डैनी को फाइनेंशियल स्ट्रगल का भी सामना करना पड़ा और उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम चल रही थी। उन्होंने अपने आप को मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट में अपने आप को प्रूव करने की काफी कोशिश करी, लेकिन यह कॉम्पिटिशन और रिजेक्शन काफी ज्यादा था। और डैनी का ड्रीम था कि उन्हें एक सक्सेसफुल एक्टर बनना है और उनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी। और एक दिन डैनी को एडल्ट इंडस्ट्री का ऑफर आया और डैनी ने एडल्ट इंडस्ट्री को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। और डैनी को लगा कि यहाँ पे जल्दी पैसा भी मिल सकता है और जल्दी फेम भी सकता है। इस इंडस्ट्री ने काफी लोगों को पॉपुलर बनाया है और डैनी के लिए भी एक कंपटीशन बन गया था। डैनी को लगा कि उनके लिए शॉर्ट टर्म ऑप्शन है जिससे वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इस डिसीजन से डैनी को सोसाइटी की तरफ से काफी नेगेटिव कमेंट मिले, लेकिन डैनी ने कहा कि ये मेरा डिसीजन है और मुझे किसी को जस्टिफाई नहीं करना। हर इंसान को हक होता है अपने करियर का डिसीजन लेने का। जब डैनी ने एडल्ट मूवी में काम करना स्टार्ट किया तो तब डैनी को मिक्स रिएक्शन मिले। यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ फेम और पैसा जल्दी मिलता है, लेकिन ये इंडस्ट्री पर्सनल लाइफ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। लेकिन डैनी ने अपने डिसीजन को लेकर कभी रिग्रेट नहीं करा। डैनी ने कहा कि ये डिसीजन टाइम के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से लिया है, यह मेरे करियर का एक पार्ट है जिसे वो डिनाई नहीं करते। और डैनी ने 2000 से भी ज्यादा एडल्ट मूवी में काम किया है। डैनी के डिसीजन से उनकी पर्सनल लाइफ पर काफी इम्पैक्ट पड़ा है, उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा और उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड के मिक्स रिएक्शन थे। लेकिन डैनी ने कहा कि मैं जो भी कर रही हूँ वो मेरी मर्जी है और मैं किसी भी नेगेटिव ओपिनियन से ऑफेंड नहीं होना चाहती। जब डैनी ने एडल्ट इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का फैसला किया तो डैनी की फैमिली का रिएक्शन काफी नेगेटिव था। उनकी फैमिली के लिए काफी शॉकिंग डिसीजन था। रिपोर्ट के अनुसार डैनी के डिसीजन से उनकी फैमिली में काफी आर्गुमेंट भी हुए और डैनी की फैमिली उनके डिसीजन से खुश नहीं थी। और शुरुआत में डैनी के पेरेंट्स ने काफी कोशिश करी डैनी को समझाने की। उनकी फैमिली चाहते थे कि डैनी एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बने। डैनी की फैमिली ने डैनी को इमोशनली और मॉरली भी समझाया, लेकिन डैनी ने कहा कि मेरा पर्सनल डिसीजन है और ये मेरी जिंदगी है और मुझे मेरे डिसीजन लेने का पूरा हक है। और इस डिसीजन के बाद उनकी फैमिली ने उनसे दूरी बना ली, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने डैनी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और बाद में जब समाज ने रिमार्क और ताने ज्यादा बढ़ने लगे तो डैनी की फैमिली ने कहा कि ये डिसीजन डैनी का खुद का है। डैनी ने एडल्ट इंडस्ट्री को अपने पर्सनल और फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से ज्वाइन करा था। इस इंडस्ट्री में डैनी को पैसा और फेम काफी मिला और डैनी ने अपने डिसीजन को जस्टिफाई किया और अपने पर्सनल चॉइस के तौर पर आज भी इस इंडस्ट्री में काम कर रही है और उन्हें इस बात का कोई रिग्रेट भी नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी डैनी के फैन हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब करके जाओ। गुड बाय, टेक केयर।